जनरेटर हाइड्रोजन कूलिंग सिस्टम हिंदी लेक्चर। स्टीम पावर प्लांट सिस्टम्स से संबंधित एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की गई है। यह लेक्चर उसी का पार्ट है। यह लेक्चर प्लांट को ऑपरेट करने वाले स्टाफ के लिए यूजफुल हो सकता है। इसके पहले कि हम जनरेटर हाइड्रोजन कूलिंग सिस्टम के बारे में बात करें, यह आवश्यक हो जाता है कि हम पहले एयर कूल्ड जनरेटर के बारे में बात करें। इस डायग्राम में एयर कूल्ड जनरेटर दिखाया गया है। ये वही डायग्राम है लेकिन थोड़े बड़े साइज में। इसमें गर्म हवा हॉट एयर को रेड कलर से दिखाया गया है और कूल एयर ठंडी हवा को ब्लू कलर से दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये सील है, यहाँ भी सील है जो बाहर की हवा को अंदर नहीं आने देता और अंदर की हवा को बाहर नहीं जाने देता। ये एक्सियल फ्लो फैन है, ये भी एक्सियल फ्लो फैन है। एक्सियल फ्लो फैन जो है ठंडी हवा को सक करके रोटर के ऊपर भेजता है और वहाँ से हवा फिर रेडियल फ्लो द्वारा स्टेटर के थ्रू पास होती है। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह सेशन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। कृपया लाइक बटन को दबाएं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो। यहाँ हम देख सकते हैं कि जनरेटर के एनक्लोजर में एंड शील्ड लगी हुई है दोनों तरफ, जो जनरेटर के एनक्लोजर को एयर टाइट बना देती हैं ताकि जो है अंदर की हवा बाहर ना जा सके और बाहर की हवा अंदर ना जा सके। जब मशीन चल रही होती है तो जनरेटर के एनक्लोजर में हीट पैदा होती है। मशीन के चलने की वजह से यहाँ जो हीट पैदा होती है उसकी वजह से इस जगह का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो कंडक्टर्स हैं जनरेटर के वो गर्म हो जाते हैं। ये ज़रूरी है कि इन कंडक्टर्स को ठंडा किया जाए। कंडक्टर्स को ठंडा करने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत है। छोटे जनरेटर्स में कंडक्टर्स को ठंडा करने का जो माध्यम है वो हवा एयर होती है, जिसको कि जनरेटर के एनक्लोजर में सर्कुलेट किया जाता है ताकि जनरेटर के कंडक्टर्स ठंडे रहें। जनरेटर के अंदर हवा को सर्कुलेट करने के लिए दोनों तरफ एक्सियल फैन लगे होते हैं, शाफ्ट जनरेटर के शाफ्ट के ऊपर ही।
एक्सियल फैन की वजह से हवा जो है वो रोटर के कंडक्टर्स के ऊपर से फ्लो करती है और रोटर के रेडियली बाहर निकलती है और ठंडी हवा से मिक्स हो जाती है। ठंडी हवा और गर्म हवा का जो मिक्सचर है वो फिर स्टेटर को कूलिंग के काम आता है और जो फिर गर्म हवा होती है पैदा उसको सर्कुलेटिंग कूलिंग वाटर से ठंडा किया जाता है। अब हमने जब एयर कूल जनरेटर डिस्कस कर लिया है तो अब टाइम है जनरेटर हाइड्रोजन कूलिंग सिस्टम को डिस्कस करने का जो इस डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन को सील करने के लिए हाइड्रोजन सील्स हैं और फिर हाइड्रोजन फैन है ये रोटर है। हाइड्रोजन गैस जो है एक्सेली फ्लो करती है यहाँ से भी और यहाँ से भी फिर रेडियली बाहर निकलती है और हाइड्रोजन को ठंडा करने के लिए ये कूलिंग सिस्टम है। जब जनरेटिंग यूनिट का साइज बड़ा हो जाता है तो एयर कूल जनरेटर का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। ताकि जनरेटर का साइज बहुत बड़ा ना हो जाए तो हवा के बजाय हाइड्रोजन को कूलिंग मीडियम की तरह यूज किया जाता है, जिसके कि दो कारण हैं जो अगले स्लाइड्स में बताए गए हैं। पहला कारण, हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी हवा से बहुत कम होती है। आप समझ लीजिए 1/14 टाइम्स कम होती है। अगर हवा की डेंसिटी और हाइड्रोजन की डेंसिटी सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे मापी जाए, दूसरा कारण है कि थर्मल कंडक्टिविटी हाइड्रोजन की हवा की थर्मल कंडक्टिविटी से 7 गुना ज्यादा होती है। पिछले स्लाइड्स में बताए गए दो कारणों की वजह से हाइड्रोजन को यूज करने का ये फायदा है कि जनरेटर के जो अंदर मटेरियल लगा है उसको हम लोग 20% कम कर सकते हैं, तो उसकी वजह से जनरेटर का साइज कम हो जाता है। जनरेटर एंक्लोजर के अंदर हाइड्रोजन का प्रेशर 0.2 मेगा पास्कल से लेकर 0.4 मेगा पास्कल रखा जाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसको 0.6 मेगा पास्कल भी रख सकते हैं। जनरेटर के अंदर जो हाइड्रोजन है उसको 99.7% प्योर होना चाहिए या उससे ज़्यादा प्योर होना चाहिए, नहीं तो एक्सप्लोजन हो सकता है।
आम तौर से हाइड्रोजन को जनरेटर के अंदर सर्कुलेट करने के लिए एक्सियल फ्लो फैंस का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सियल फैन हाइड्रोजन को एक तरफ से खींचकर कूलर्स के थ्रू पास करता है और उसको रोटर वाइंडिंग्स की तरफ फेंकता है। हाइड्रोजन कूलर्स के द्वारा ठंडा किया जाता है, जिसमें से ठंडे पानी का प्रवाह हो रहा होता है। इस प्रकार से जनरेटर के टेम्परेचर को अलाउड लिमिट्स के भीतर रखना पॉसिबल हो जाता है। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह सेशन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। कृपया लाइक बटन दबाएं, कृपया सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो।